जी गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप वेयर एवर यू आर आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। तो हाँ भाई साहब, फिर रोज टेलर निकले हुए थे आज मिशन रिडेम्पशन पे कि जो क्लोज मैचेस वो फिनिश नहीं कर सके। T20 सीरीज हमने देखा कि दोनों जो मैच सुपर ओवर हुए उसमें मतलब रोज टेलर चाहते तो मैच खत्म हो सकता था, चाहते ही ना वे कि कर नहीं सके, चाहते तो थे ही। तो आज का भाई साहब उन्होंने सेंचुरी शतक लगाया और सेंचुरी की 21वीं सेंचुरी और मैच विनिंग सेंचुरी जो है, इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला है। तो मैच ज़रा सीरीज इंटरेस्टिंग हो गई है, मतलब ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि आप 347 रन्स करके भी आप मैच हार जाएं। तो सेकंड मेरे ख्याल में एक 358 ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ किया था पहले, दूसरा मेरे ख्याल में बड़ा जो ये टारगेट है जिसको इंडिया ने चेज़ करवाया। तो दो तीन बातें इसमें हैं, मतलब एक तो बॉलिंग ऑप्शंस पे ज़रा कंसिडर करना पड़ेगा कि बॉलिंग ऑप्शंस जो हैं वही 5 बॉलर्स हैं, छठा बॉलर ही नहीं है, और इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं और बड़ा ज़रूरी है। अब न्यूजीलैंड के देखिए, उनके 6 उन्होंने बॉलर्स ने गेंदें करवाई हैं, उनकी टीम में ज़रा बैलेंस आ गया। ऑलराउंडर की जो जिमी निशम और ग्रैंड होम, मतलब 8-8 ओवर निकाले हैं, एक ने 50 दिया शायद, एक ने 48 दिया, एक ने आउट भी किया एक। तो ये जो छठा बॉलिंग ऑप्शन है ना, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि 5 अगर बॉलर हों तो किसी एक का तो ऑफ डे हो ही सकता है, तो उसको कवर अप करने के लिए ज़रा ज़रूरी है। और शार्दुल ठाकुर ठीक है भाई, लेकिन पहले भी मेरे ख्याल में जो, बहरहाल वो आप बताइएगा कि अगले मैच में क्या तब्दीली आप देखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं सैनी को देखना चाहूँगा। ठाकुर जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मुझे लगते हैं कि ज़रा थोड़े से ना वीक लिंक है इन प्रेजेंस ऑफ शामी एंड बुमराह, जो आप उनकी जो बॉलिंग देखते हो, तो फिर एक ओवर में 22 भी दिए आज, तो एट विल रोज टेलर उनको मतलब मार रहे थे जहाँ पे भी मार रहे थे। लेकिन बहरहाल समटाइम्स, जैसे कि आप विराट कोहली ने भी कहा कि भाई कभी अच्छा आपको दूसरी टीम को भी क्रेडिट देना होता है कि ऑन द गिवन डे उन्होंने अच्छा खेला होता है, बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में भी। तो फील्डिंग की बात अगर करें तो विराट कोहली ने तो आज जो रन आउट किया है वो तो जॉन्टी रोड भी देख के उसको शर्मा जाएंगे। बड़ा अच्छा रन आउट किया है विराट कोहली ने पिछले मैच में भी। विराट कोहली और जडेजा का अच्छा कंपटीशन चल रहा है इंडियन टीम में फील्डिंग को लेके, लेकिन बाकी जो फील्डिंग है ना उस पर विराट कोहली ने भी यही कहा अभी प्रेजेंटेशन में कि भाई फील्डिंग में हमें वी नीड टू वर्क हार्ड, क्योंकि 12 स्कोर पे कैच छूट गया भाई रोज टेलर का, कुलदीप से कैच छूटा और वो भी फील्डिंग में, उनको भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो फिर हालांकि वो कैच होना चाहिए था, वहाँ चांस मिला, ठीक है चांस मिलते हैं, अय्यर को भी मिला, उसका भी 100 हो गया, पहला 100 था अय्यर का। कुछ पॉजिटिव्स भी तो आए हैं इस मैच में, लेकिन बहरहाल फील्डिंग की जो बात है उस पर फिर किया राहुल, उनसे भी उन्होंने भी रोज टेलर का एक कैच निस्बतन आप कह सकते हो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन विकेट कीपर मतलब होना चाहिए था, वो भी मैच कैच होना चाहिए था। तो जो चांसेस मिले हैं भाई दोनों, तो फिर रोज टेलर साहब ने कहा कि नहीं, मैंने आज मैच जितवा के जाना है, बाद में मैं नींद नहीं आती मुझे। क्योंकि T20 में जितवा सकते थे जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और फिर बीच में थोड़ा सा प्रेशर नज़र आया भी, मतलब एक दफ़ा एंड पे 2-3 जिमी निशम आउट हुआ, फिर टॉम लेथम आउट हुआ, तो ग्रैंड होम आउट हुआ, क्या आज फिर तो नहीं न्यूजीलैंड का मूड सुपर ओवर कराने का या कोई मैच ट्राई कराने का, लेकिन खैर एंड पे फिर आके ठाकुर साहब ने छक्का चौका खाया और मैच फारग हो गया। तो मैच का जो टर्निंग पॉइंट है वो देखो, एक तो उनका जो थ्रू आउट द इनिंग्स लेफ्ट राइट लेफ्ट खब्बा आ रहा है सज्जा आ रहा है खब्बा सज्जा, बैट्समैन उनके निकोलस, फिर उसके साथ नीचे ऊपर उनका गुप्टल सज्जा निकोलस खब्बा, फिर इसी तरह नीचे आते टॉम लेथन खब्बा टेलर सज्जा, फिर जिमी निशम भी खब्बा और ग्रैंड होम सज्जा। खैर उन्होंने तो कुछ इतना खास किया नहीं है, लेकिन जो पार्टनरशिप लगी है इन दोनों के बीच में 30 से 40 ओवर के बीच में जो रन्स बने हैं, 117 रन्स बने हैं भाई 30 से 40 ओवर के बीच में। और टॉम लेथम कप्तान बड़ा बेहतर है और आज उसने बताया ठीक है भाई इंडिया ने किए 347, लेकिन ये इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, उसने बड़ी एक्टिव फील्ड प्लेसिंग में बड़ा एक्टिव था, बता रहा था यहाँ पे खड़े हो ये करे फील्ड बॉलर्स के साथ बातचीत करना कराना, तो काफ़ी एक्टिव नज़र आया ये टॉम लेथम एज अ कैप्टन मैं बात करूँ। लेकिन बहरहाल जिस मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ रोज टेलर के साथ, वो लाजवाब थी और कोई 46-47 गेंदों पे मतलब इन्होंने 100 रन्स की पार्टनरशिप की है उस पीरियड के बीच में, 31 से लेके 30 ओवर 40 ओवर के दरमियान के जो ओवर्स थे उसमें, तो फिर ऐसी कोई धुलाई की है कि कोई समझ नहीं आई कि हुआ क्या। तो उसने बड़ा और टारगेट जो उसने रोज टेलर ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बोला कि उन्होंने टारगेट जो किया है वो शॉर्ट बाउंड्री जो है
उस तरफ इन्होंने टारगेट किया, ज़्यादा रन्स भी इन्होंने वहीं पे किए। एक तो लेफ्ट राइट का उन्होंने पूरी थ्रू आउट द इनिंग्स चलाते रखे काम, क्योंकि बॉलिंग के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता ना, हर गेंद के बाद अगर राइट हैंड बैट्समैन आया उसकी लाइन अलहदा होगी, फिर खब्बा बॉलर है बैट्समैन है उसको अपने डिफरेंट किस्म की बॉलिंग करवानी है, तो जो बॉलर है उसकी भी लाइन एक सेट नहीं होती, दोनों खब्बे हों या दोनों राइट हैंड बैट्समैन हो तो ज़्यादा ईजी हो जाता बॉलर्स के लिए एक लाइन पकड़ने के लिए। तो ये उनका चलता रहा पूरी इनिंग्स में, और शॉर्ट जो बाउंड्री है उसको भी बड़े अच्छे से कैपिटलाइज किया, और ख़ास तौर पे जो रोज टेलर ने, बहरहाल उनकी जो मुझे जो बेस्ट शॉट लगी है जो बुमराह को उन्होंने मिड विकेट पे छक्का मारा है। बाकी ओवरऑल थ्रू आउट द इनिंग्स कभी भी उन्होंने रन रेट जो है इतना अगर मैसिव हो तो आप देखते हैं 8 से ऊपर चला गया, 8.5-9 रिक्वायर्ड रन रेट चला गया, लेकिन ऐसा कोई सीन हुआ ही नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ कि जो मैंने आपको वो पार्टनरशिप बताई है ना उसके बीच में 31 से 40 ओवर के दरमियान में उसने बिल्कुल एक तरफ का जो वो सीन है वो करके साइड पे करके रख लिया। और बॉलिंग की हमने बात कर ली, बाकी कुछ बैटिंग की बात करें तो केएल राहुल एक दफ़ा फिर वो क्या बोलते हैं कमाल लाजवाब केएल, हाँ लाजवाब राहुल, तो अच्छे रन्स किए उन्होंने, 6 छक्के भी मारे, 88 किया आई गेस, यस 88 किया उन्होंने, स्ट्राइक रेट कमाल का था उनका। जिस नंबर पे भी आ रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं वो तो खैर एक पॉजिटिव्स हैं ही, अब उन पे हम इतनी पहली बात कर चुके हैं। बाकी अय्यर ने आज सेंचुरी की, करियर की पहली सेंचुरी, 16वां मैच था उनका, तो बेहतर है, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट लगेगा। वो मैं सुन रहा था सुनील गावस्कर लेजेंड को, वो कह रहे थे जब एक आपको सेंचुरी का टेस्ट मिल जाए ना तो फिर आप उससे नीचे रुकते नहीं हैं, तो ये उनके लिए अच्छा है, फ्यूचर में भी जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो सेंचुरी करेंगी। डेब्यूटेंट अच्छा खेले लेकिन जिस तरह स्टार्ट उन्होंने सॉलिड दे दिया, लेकिन फिर भी कि दोनों में से किसी एक को अगले मैच में हम देखना चाहेंगे कि कोई बड़े रन्स बनाए, तो क्योंकि एक दिग्गज खिलाड़ी की कमी पूरी कर रहे हैं, तो वैसा तो अगर शायद नहीं परफॉर्म करते, लेकिन आज भी उन्होंने सॉलिड प्लेटफॉर्म जो है अच्छा दिया था। लेकिन बहरहाल बाकी जो नीचे से कोहली से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज जिस तरह की विकेट थी, बल्ले के मिडल में गेंद आ रहा था और सारे जैसे एट विल खेल रहे थे, तो आज उन्होंने अपनी एक सेंचुरी मिस की है, शतक उनका होना चाहिए था, और जिस वो गूगली को कैसे नहीं रीड कर सके वो, मतलब इट हैज़ हैपन्ड कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, भी आईपीएल में भी हमने देखा कि गूगली कभी कभी उनको ना ज़रा तंग करती है, लेकिन आज अच्छा चांस था उनके पास भी, सेंचुरी अय्यर के साथ साथ उनकी भी आनी चाहिए थी, इस तरह के मौके नहीं मिलते। विकेट ठीक है, ग्राउंड छोटा था, विकेट भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, तो ऐसा बेहतरीन मौका था कि वो आना चाहिए था। बाकी कुलदीप का बुरा दिन गया आज, और ठाकुर तो फिर भी मोस्ट एक्सपेंसिव ही रहे, और कुछ इतने ठीक है, एक दो T20 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, लेकिन अभी भी मतलब आप देखते हो ना कि कुछ कमियां नज़र आती हैं, जब बाउंसर करवाते हैं उसमें भी कुछ जान नज़र नहीं आती, जैसे कि बुमराह या जैसे कि शॉमी के जो यॉर्कर में जान नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में मैं तो सजेस्ट करूंगा सैनी को अगला जो मैच है वो खिलाएं प्रॉपर, एक बैटिंग काफ़ी आपको, और बैटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठाकुर के 2-3 चौके नहीं चाहिए आपको, सैनी जो है वो आएं और वो आके अच्छा खेलो, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर करेंगे। और कुलदीप ठीक है भाई साहब, कुलदीप कभी कभार पूरा दिन आ ही जाता है एक बंदे का, लेकिन 2 आउट उन्होंने किए, फील्डिंग में वो कैच उनसे खैर मिस नहीं होना चाहिए था। बाकी 6th बॉलिंग ऑप्शन जो है केदार यादव से, वो करवाना चाहिए थे बीच में ओवर, मतलब जब 18-20 ओवर्स हो गए थे तो 2-3 ओवर्स के लिए 4 ओवर्स के लिए उनको बीच में लेके आना चाहिए था, क्योंकि वो एक वैरायटी हो जाती है ज़रा, अगर किसी एक बॉलर की धुलाई हो रही होती तो बाकी आगे कोई थोड़ा उसमें कवर अप कर लेते हैं। तो लेट्स सी, अब अभी भी मुझे लगता है कि इंडिया सीरीज तो जीत जाएगा, जीतना भी चाहिए, और कम बैक अभी ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा हुआ कि पहला मैच इतने बुरे तरीके से हारा था इंडिया, 10 विकेटों से हारा था, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक किया था और बाकी के दोनों मैचेस जीते थे। अभी कोई पुरानी बात नहीं बता रहा, अभी ये लास्ट सीरीज की बात बता रहा हूँ। तो अभी भी इंडिया की जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा, ये जो 2-3 बातें मैंने बोली हैं इस पे ज़रा जो मैं समझता हूँ, अगर आप समझते हैं कि क्या तब्दीली करनी चाहिए टीम में, आप बताइए कॉमेंट्स में कि क्या समझते हैं, कि क्या क्या आप गलती हुई, या क्या आप समझते हैं कि तब्दीली टीम में क्या हो कि जो नेक्स्ट मैच में खेलें। बहरहाल आज का दिन था न्यूजीलैंड का, जिस तरह उन्होंने खेला है, तो फिर जैसे कोहली ने भी कहा कि आज दे डिज़र्व करते थे जीतने के लिए, खैर वो तो T20 की जो 5 गेंदों पे 2-3 रहता था तब भी करते थे, लेकिन
आज उन्होंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा कि नहीं भाई हमने मैच जो है ना आज जीत के जाना है। 5-0 थोड़ी बिस्ती जी हो गई है, 5-0 सी हार गए T20 जो, तो थोड़ा जाना कम ठीक करना। सो बताइएगा कमेंट में क्या तब्दीली देख रहे हैं टीम में, कौन सी खिलाड़ी होने चाहिए जो एक आधी कोई तब्दीली देख रहे हैं, और क्या गलतियां की इंडिया की टीम ने कि जो कि अगले मैच में नहीं होनी चाहिए। बाकी भाई साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का कल मैच था ODI सीरीज की, 3 मैचों की सीरीज है और इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया पहले ही मैच में। 258 किया था इंग्लैंड ने और आराम से अभी 12-14 गेंदें रहती थी और 7 विकेटों से यह मैच साउथ अफ्रीका जीत गया। डिकॉक ने ऊपर से आके सेंचुरी की है और फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट जो बैट्समैन है वो भी है, द वे ही प्लेस और लाजवाब किस्म के वो भी बैट्समैन है, उसने सेंचुरी की है। उसके अलावा बोमा वो जो उनका बैट्समैन है उसने 98 किए हैं, अच्छी ऊपर से अच्छी पार्टनरशिप मिल गई। तो फिर जाहिर है कि इंग्लैंड की तरफ से कोई 80 ऑड किया है दिल्ली ने, बाकी कोई ख़ास नहीं किया, 30-35-40 कितने ही किए। तो बड़ी आसानी से जी इन्होंने ये चेस कर लिया टारगेट। अब इनकी 2 मैचेस बाकी हैं, अब लेट्स सी कि वो सीरीज़ कैसे जाती है। टेस्ट सीरीज़ तो इंग्लैंड ने जीत ली थी 3-1 से, अब इसके बाद फिर ये 3 T20 मैचेस भी खेलेंगे। और बाकी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच जो है वो 7 तारीख से, जो कि परसों है, वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जाएंगे वहाँ पे भी कवरेज करेंगे, वीडियो शीडियो बनाएंगे होपफुली। मैच के बाद वैसे तो अलाउड नहीं होता ड्यूरिंग द मैच तो अलाउड नहीं होता, उसके बाद ज़रा बनाएंगे, ज़रा अच्छा सीन आ रहा है। बहरहाल जी ऑफ डे इंडियन फैंस के लिए, लेकिन ऐसा होता है। मैं जब ऑस्ट्रेलिया हमेशा जीता करती थी ना लेट 90s की अर्ली 2000 में, ये हालात काफ़ी अच्छे हुआ करते थे पाकिस्तान के, अब भी बेहतर हैं, तो ये हमारे रावलपिंडी सदर में गोरे शोरे बड़े आते थे फिर रहे होते थे। एक ऑस्ट्रेलियन मिला, उससे कोई क्रिकेट की गप लगी, कहता यार पहले मैं बहुत क्रिकेट देखता था, अब मैं ज़रा ना कम कर दिया। मैं क्या क्यों, क्या वजह, मतलब कहता हमारी टीम मतलब को जिससे खेल रही है जीत रही है, जिससे खेल रही है जीत रही है, तो जीत जीत के ना वो मतलब बोरिंग हो गया है। मैं क्या कमाल है यार, ये क्या बात कर रहा है, कहता हम इतना मतलब जिस टीम से मैच खेलें हमें 80-90-70% पता है हम जीत जाएंगे, मोस्टली जीत ही जाते हैं, तो कोई चार्म नहीं रहा, कोई मज़ा नहीं रहा, कोई फन नहीं रहा, तो इसका मतलब है कभी कभी हारना भी ज़रूरी है। एनी हो जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, कोई कमेंट हो, कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।